दोबारा कर दिया ब्रश। चलो हरे कृष्णा बच्चों। और बेटा इतने दिन कहाँ रहे आप लोग है? अच्छा, गए क्या वो? चलो हरे कृष्णा। हाँ तुम निकाल दो उसे। हाँ नेक्स्ट। चलो हरे कृष्णा बेटा। आज हम एक नया चैप्टर, इतने दिनों बाद आए हैं तो नए चैप्टर से ही हम शुरुआत करेंगे, क्या करें। लेकिन अब बिलीव मी इतनी छुट्टियां नहीं होंगी, अब रेगुलर क्लास चलेगी हमारी, ठीक है ना। तो बेटा हेडिंग लगाओ, चैप्टर नंबर 7, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी चैप्टर 7, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। सर वेटेज बताओ। बेटा इसमें आपको 8, 10, 15, 16, 20 हर तरह का क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। 20 नंबर तक का भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, एक सिंगल क्वेश्चन। तो इसमें हर तरह का क्वेश्चन है, तो आप समझ लो इसका इम्पोर्टेंस क्या है। समझ में आ गया? तो अब मैं बार बार हर चैप्टर के साथ आपको वेटेज लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें हर चैप्टर बताओ इम्पोर्टेंट मानकर चलना है बेटा। क्योंकि कुछ नहीं पता है इन लोगों का, ये कभी इग्नोर कर जाते हैं, कभी 20 नंबर का बना देते, तो कुछ पता नहीं चलता। तो आप वो ज़्यादा अवॉइड करो। मैं इसलिए खुद भी नहीं लिखता और ना पसंद करता, लेकिन फिर भी बच्चा बोलता है तो मैं बता देता हूँ। लेकिन वो वेटेज ऑथेंटिक नहीं होते कभी भी। इसमें बच्चों अगर हम इस चैप्टर को कैटेगराइज करें तो बेटा मैं 3 पार्ट्स में बांट सकता हूं। तो लिखो आप, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट्स, दूसरा लिखो लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट, लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट, तीसरा लिखो बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट, लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट और बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी। बच्चों इसमें 3 बात पढ़नी है हमें, 3 बातों में से सबसे पहले हेडिंग लगाओ। सबसे पहले मैं किसके बारे में बात करूंगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी अकाउंट। तो हेडिंग लगाओ नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। बेटा पेज के सेंटर में लिखो और अंडरलाइन कर दो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट, अंडरलाइन कर दो। चलो आगे। अब एक चीज दिमाग में रखना, कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। ये लंबा चलेगा ये टॉपिक, और लंबा चलेगा तो बट ऑब्वियस टॉपिक पूरा का पूरा क्या ही है, कनेक्टेड है। बेटा दिक्कत आ जाएगी अगर एक भी क्लास मिस हो गई। मिस हो जाए तो दूसरे दिन आओ तो रिकॉर्डेड देख कर आना, वरना दिक्कत हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा फिर। चलो लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी क्या हो रही है, सिंपल शब्दों में बात करें कंपनी बंद हो रही है। अच्छा छोड़ो ना, हम टॉपिक की बात करते हैं, नॉर्मल डिस्कशन करते हैं। बेटा कोई भी बिजनेस बंद होता है तो क्या करते हैं? असेट्स और, हाँ वेरी गुड बेटा। एक सिंपल सी गणित है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल सोचने की जरूरत ही नहीं। अकाउंटिंग कोई ऊपर से थोड़ी है, रॉकेट साइंस थोड़ी है, बेसिक जनरल डिस्कशन है बस। कोई भी बिजनेस बंद होगा, कोई भी, हम ये बात नहीं कर रहे कंपनी की बात नहीं कर रहे, हालांकि हमारा स्पेसिफिक डिस्कशन बताओ क्या है,
कंपनी, लेकिन हम नॉर्मल बात करें तो बेटा कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, बताओ अगर वो लिक्विडेट हो रही है, बंद हो रही है, तो बताओ क्या होगा बेटा? असेट्स रियलाइज होंगी, सारी असेट्स बिकेंगी। अब रिवैल्यूएशन की तो बात नहीं होगी बेटा, रियलाइजेशन की बात होगी, ठीक है ना? असेट्स बिकेंगी और लाइबिलिटीज सेटल होंगी, दैट्स ऑल, काम खत्म बस, और तो कुछ होना ही नहीं है। तो मुझे भी इस टॉपिक में बताओ करना क्या है, असेट्स को बेचना है और लाइबिलिटी को सेटल करना है, काम खत्म। लेकिन बेटा जब मैं लाइबिलिटी सेटल करूंगा तो कुछ दिमाग में होना चाहिए क्या? क्या बेटा लाइबिलिटी में पहले मैं आउटसाइडर लाइबिलिटी सेटल करूंगा और मैं ओनर हूं तो मेरा पेमेंट बाद में होगा, ये भी आपके दिमाग में क्लियर है? तो मैंने आपको कहा अगर एक बिजनेस लिक्विडेशन में गया तो मेरे दिमाग में क्लियर थॉट है, असेट सेल होंगी, लाइबिलिटी सेटल होंगी, और लाइबिलिटी आउटसाइडर पहले होगी, ओनर की बाद में होगी, सिंपल सी बात है। चले आगे, ये बताओ कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, बताओ कंपनी को कौन रन करता है, कौन ऑपरेट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसी भी कंपनी को बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पैसा लगा होता है? नहीं लगा होता, शेयर होल्डर्स का पैसा। अच्छा मैं हूं सोल प्रोपराइटर, पैसा किसका लगा हुआ है? मैं बिजनेस बंद करना चाह रहा हूं तो बताओ बिजनेस कौन बंद करेगा? मैं ही करूंगा। पार्टनरशिप में पैसा किसका लगा हुआ है? पार्टनर्स का। वो बिजनेस बंद करना चाह रहे हैं तो पार्टनर्स। कंपनी में तो क्या शेयर होल्डर बिजनेस बंद कर सकते हैं क्या बेटा? वो तो बिखरे पड़े हैं पूरे हिंदुस्तान में, इंडिया एज वेल एज आउटसाइड ऑफ इंडिया, हो सकता है बाहर भी हो। तो बताओ कंपनी का बिजनेस बंद कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। भाई चला भी तो यही रहे हैं, तो बताओ कंपनी का बिजनेस बंद भी यही करेंगे। आ गई बात समझ में? लेकिन बेटा इसमें एक इशू है, ये बताओ जब मैंने आपसे कहा कि मैं सोल प्रोपराइटर हूं, मेरा बिजनेस बेटा पूरा समय लगेगा, अभी मैं टॉपिक पर लाने पे पूरा एक घंटा लगा दूंगा, एक घंटे बाद, यानी आज की क्लास और कल के क्लास के एंड में हम टॉपिक तक पहुंचेंगे, लेकिन जब तक आपको फिर वो ये क्लियरिटी मिल जाएगी। तो ध्यान से सुनते रहना प्लीज, एक फॉर्मेट का डिस्कशन कर रहा हूं, लेकिन मैं फॉर्मेट नहीं चाहता कि वो आपको याद करना पड़े, वो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि लॉ प्रेस्क्राइब फॉर्मेट का डिस्कशन चल रहा है, वो फॉर्मेट या तो रट लो या समझ लो। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें लगभग लगभग एक घंटा चला जाएगा, और रटा के क्वेश्चन करना है तो कल की क्लास में क्वेश्चन भी हो जाएगा, लेकिन कल की क्लास में शायद फॉर्मेट भी सामने ना आए आपके। तो इसलिए ध्यान से सुनना, कहीं मैं बड़बड़ाता रहूं आप सोते रहो, इसलिए मैंने बड़बड़ाना कहा, लोरी नहीं कहा, तो मैं लोरी गाता रहूं और आप सोते रहो, ठीक है ना? समझ, शब्दों का इंपॉर्टेंस, इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट, चलो मुद्दे पर आते हैं। ये बताओ मैंने कहा मैं सोल प्रोपराइटर हूं, आपने कहा था आप ही बिजनेस बंद करोगे, आप ही का पैसा लगा हुआ है, लेकिन पार्टनरशिप में आपने कहा था पार्टनर्स ही बंद करेंगे, उन्हीं का पैसा लगा हुआ है, लेकिन पता है यहां पर एक गड़बड़ हुई कंपनी की केस में, पैसा किसका लगा हुआ है? कंट्रोल कौन कर रहा है? क्या आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बंद करने दोगे क्या? बिजनेस लिक्विडेट करने दोगे क्या? शेयर होल्डर मालिक है ना, रियल ओनर ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आप टेक्निकल इश्यू समझ रहे हो, वो बिखरे हुए हैं बेटा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप बोल नहीं सकते, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ठीक है कंपनी को मैनेज कर रहे थे वहां तक तो सही है, लेकिन एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन आपको नहीं पता कंपनी के नंबर ऑफ लाइबिलिटी होल्डर्स होंगे। समझ में आ रहा है? अरे दुनिया भर की लाइबिलिटी होती है कंपनी की। अगर बेटा मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहा कि पेमेंट कर दो, तो आपको नहीं लग रहा वो बायस हो जाएंगे? शायद हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हो जाएंगे, लेकिन इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो बायस होंगे। क्यों? उनका तो पैसा ही नहीं है। अरे उनका तो जिसका पैसा है वो टेक्निकली काम नहीं कर सकता बेटा, और किसका पैसा नहीं लगा हुआ कंपनी में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पैसा नहीं लगा हुआ, तो हो सकता है वो इस लायबिलिटी होल्डर्स में, बताओ क्या करें? अपने कुछ रिलेटिव यार दोस्त हो तो उनको प्रायोरिटी पर पेमेंट कर दें, समझ, प्रीमियम पर नहीं करेंगे लेकिन प्रायोरिटी पर पेमेंट कर दें। भाई एक लाइन लगी हुई है, एक लाइन लगी हुई है, आप समझना, अगर मेरा रिलेटिव है तो मैं लाइन में आगे नहीं बुला सकता क्या उसे? समझ में आ रहा है? मैंने लाइन में आगे बुला लिया। अच्छा एक बिजनेस बंद क्यों होता है बेटा? वो इन जनरल वी कैन से वो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा होता है, इन जनरल, ये नहीं कह सकता। प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बंद होते हैं। सर प्रॉफिटेबल क्यों होंगे बोलो? मन नहीं कर रहा, आ हा,
ये मैं सच बता रहा हूं, ऐसे बच्चों को मेरा बस नहीं चलता। मैं किसी दिन प्रेसिडेंट बन गया, आईसीआई का चेयरमैन बन गया, मैं ऐसे बच्चों को ऑन द स्पॉट सीए की डिग्री दूंगा। साहब बिजनेस प्रॉफिटेबल है, क्या वो बंद हो सकते हैं? हाँ, क्यों साहब? मन नहीं कर रहा साहब, मन नहीं कर रहा। किसका? बिजनेस करने का, जबकि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, कोई मुझे जेनुअन आंसर दे सकता है प्रॉफिटेबल बिजनेस बंद क्यों? क्या तू तो चुप रहे, तू मुझे नए नए तरीके बता रहा है। ये अब ये फ्रॉड आ गया, ये नया फ्रॉड कर रखा हो। अब तू चुप रहे ना, ना तीसरा तरीका। मैं मेरा पेशेंस, मैंने अभी थोड़ी देर कहा था पेशेंस मेरा जवाब दे गया, तू चुप रहे। हाँ हाँ, कोई भी कोई भी रीजन हो सकता बेटा। चलो रहने दो, तुमसे तो पूछूंगा तो जेन्युइन आंसर के अलावा सब मिलेगा और यहाँ ए बी सी डी चल जाएगा। अब तुम जवाब, तुम सारे जवाब दे लो, फिर उसके बाद मैं बता दूंगा तुम्हें। क्या बोला? नहीं बेटा, वो सन्यासी है। अब बता। बेटा अब मेरी बात सुनो, ये फालतू मतलब लॉजिकली सोच ही नहीं सकते कि सोचना नहीं चाह रहे हैं? बेटा ये बताओ, बेटा हरिओम ग्रीस, रहने दो भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बेटा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? लैक ऑफ मैनेजमेंट। बेटा लैक ऑफ नॉलेज नहीं बोल सकते? लैक ऑफ माइंड भी तो बोल सकते हैं ना लायक। अब सुनो, मतलब हद हो रही है। बेटा ये बताओ, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप एफडी कराना चाह रहे हो या शेयर खरीदोगे? शेयर खरीदोगे? तो रहने दो, मैं सीधा मुद्दे पर है। मैं फिर मुद्दे पर, फिर मुझे दो दो चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, मैं एक ही चीज। बेटा प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बंद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मैं चाह रहा था यहां पर मेरा रेट ऑफ रिटर्न होगा 20%, समझ में आ रहा है? मैंने मेहनत की, बताओ रिटर्न आ रहा है? आ रही है बात समझ में? तो ये भी रीजन होता है प्रॉफिटेबल बिजनेस बंद होने का, ये होता है जेन्युइन रीजन। बाकी तो कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ना, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इन जर्नल क्या होता है, इन जर्नल। बाकी तो एक्सेप्शनली कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने कहा कि कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे आपने कहा उसका मन ही नहीं कर रहा, सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन इन जर्नल हम स्पेसिफिक बात करें तो क्या है बेटा, रिटर्न्स जो एक्सपेक्ट किए गए थे वो नहीं आ रहे। अब वो नहीं आ रहे तो मैं एफर्ट ही क्यों डालूंगा इतना ज्यादा? मेरा दिमाग थोड़ी खराब है? मैंने 2 साल 4 साल मेहनत कर ली, मुझे लग रहा था यार सुना बहुत था इस बिजनेस के बारे में, यहाँ रिटर्न आते हैं खतरनाक। मैंने जब प्रैक्टिकली ट्राई किया, जब मैंने उसे एग्जीक्यूट किया तो प्रॉपरली रिटर्न नहीं आ रहे। मुझे लग रहा है इसमें मेहनत ज़्यादा है और रिटर्न कम है, तो फिर मैंने वो ड्रॉप कर दिया, आइडिया ड्रॉप कर दिया। क्या पॉसिबिलिटी बनती है? हाँ, ये एक जनरल सिनेरियो है जो प्रॉफिटेबल बिजनेस को बंद करने का मोस्टली होता है, बाकी रीज़न कुछ भी हो सकता है। अब वैसे ही बेटा मैं आपको बात कर रहा हूँ, अगर कोई बिजनेस क्लोज हो रहा है, लिक्विडेट हो रहा है, तो उसके पीछे का बताओ जनरल रीज़न क्या होगा? बोलो, फाइनेंशियल क्राइसिस। इन जनरल, फिर मैं बोल रहा हूं इन जनरल बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक होके बात नहीं कर रहा, क्योंकि स्पेसिफिक हम बात कब कर सकते हैं? जब हमारे सामने किसी बिजनेस का डेटा हो तो हम स्पेसिफिक बात कर सकते हैं, अदरवाइज इन जनरल बात कर रहे हैं। ये बताओ, इन जनरल एक कंपनी लिक्विडेशन में क्यों जाएगी? क्योंकि उसे कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं। वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ गई, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ रही है, अब वो सोच रही है भाई इससे ज्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, अब सही समय बिजनेस बंद कर देना चाहिए, अब मैं इसे प्रॉफिटेबल पोजीशन में नहीं ला सकता। चलो आगे बेटा, बिजनेस बंद करने का आपने डिसीजन ले लिया, बिजनेस कंपनी बंद हो रही है, कंपनी बंद होगी तो बताओ क्या होगा? असेट्स और लाइबिलिटीज, क्लियर है? मैंने आपको एक सिचुएशन दी, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप में मैं काम करूंगा, पार्टनरशिप में पार्टनर काम करेंगे, लेकिन जब कंपनी बंद होगी तो शेयर होल्डर काम नहीं कर सकते क्योंकि वो बिखरे हुए हैं। अब बताओ,
कंपनी को चला कौन रहा था बेटा? आप इनको लिक्विडेशन पर अगर जिम्मेदारी सौंप दोगे तो ये जो नंबर ऑफ लायबिलिटी होल्डर हैं ये बायस हो जाएंगे, ये अपने रिलेटिव अपने जानकारों को अपने खास फ्रेंड्स को पहले पेमेंट कर देंगे। और बताओ ये कंपनी कौन सी है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रही है, बट ऑब्वियस है इसको नुकसान हो रहे हैं, तो ये बताओ क्या ये कंपनी अपनी लायबिलिटी पे करने में कैपेबल होगी क्या? इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, इन जनरल बेटा ये लायबिलिटी पे करने में कैपेबल नहीं होगी, क्योंकि जो आदमी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो अपनी लायबिलिटी कहीं ना कहीं, बेटा अगर लायबिलिटी 100% पे हो जाती तो कोई इशू नहीं था, किसी को भी आगे पीछे कर दो, जब सबको ही मिलना है तो किसी को भी आगे पीछे कर दो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, जो मेरा पोर्शन है मुझे मिल जाएगा, जो आपका पोर्शन है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर फंड्स लिमिटेड हैं और लायबिलिटीज ज्यादा हैं जो कि इन जनरल होती हैं, तो बताओ फिर आगे पीछे करने में अरे इशू है या नहीं? 100 रुपए की लायबिलिटी देनी है, समझ में आ रहा है, और रिकवरी एसेट से केवल 80 रुपए की हुई, तो बताओ पेमेंट करने के लिए 20 रुपए अरे कम पड़ेंगे या नहीं कम पड़ेंगे? तो बेटा अगर मैं लायबिलिटी होल्डर को आगे पीछे करूंगा तो प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिक्विडेशन पर बताओ क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वो बायस हो सकते हैं। शेयर होल्डर क्यों काम नहीं कर पाते, वो रीजन बता दिया बेटा, बीओडी को हम काम करने नहीं दे सकते, उसका रीजन बता दिया। तो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन कंपनी का, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बताओ कंपनी का जन्म यानी इनकॉर्पोरेशन किसके थ्रू होता है बेटा? कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन के थ्रू, यानी उसका जन्म भी कंपनी के थ्रू होता है, लॉ के थ्रू होता है, और उसकी डेथ, बोलो डेथ भी किसके थ्रू होगी? लॉ के थ्रू, यानी जो उसे प्रोसीजर्स किसके लिए फॉलो करते होते हैं इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन के लिए, वही प्रोसीजर उसको डेथ के लिए यानी लिक्विडेट करने के लिए फॉलो करते हैं। बेटा आपको कहाँ जाना होगा? कोर्ट में जाना होगा, लिक्विडेशन के लिए कोर्ट में अप्लाई करना होगा, ठीक है ना? हाँ, जो ट्रिब्यूनल जो भी है आपका उसमें अप्लाई करना होगा, जो कंपनी के कोर्ट है। अब मुझे ये बताओ ये अगर वो कोर्ट में गए तो कोर्ट बताओ क्या करेगा? एक पर्सन अपॉइंट करेगा विच इज नोन एज लिक्विडेटर। लिक्विडेटर आ गया समझ में? लिक्विडेटर, कोर्ट एक पर्सन अपॉइंट करेगा विच इज नोन एज लिक्विडेटर। ये लिक्विडेटर क्या करेगा? ये करेगा सारे काम, ये करेगा असेट रिलाइज, ये करेगा लाइबिलिटी पे, समझ में आ रहा है? क्यों करेगा बेटा? इस आदमी का कंपनी में कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं होता, आया समझ में? यानी ये एक न्यूट्रल पर्सन है जिसको कोई लेना देना नहीं कंपनी से। तो बेटा अब बताओ क्या ये बायस होगा? जब बेटा इंटरेस्ट ही नहीं है तो बायस क्यों होगा, समझ में आ गया? ये बताओ आप, आपके पेरेंट्स आपके बारे में जो ओपिनियन रखते हैं क्या वो बायस होती है या नहीं होती? बेटा 101% बायस होती है। क्यों बोलो? क्योंकि उनका इंटरेस्ट है आप में, समझ में आया? बेटा आपके पेरेंट्स की ओपिनियन मोस्टली आपको लेकर बायस ही रहेगी, हमारा बेटा बहुत अच्छा है, ठीक है यार, हमारा बेटा बेटी बहुत अच्छे हैं, हमारी सारी बातें मानते, पता है कि सुबह पिटाया आज बुरी तरह, लेकिन कोई आ गया हमारी सारी बातें मानते, समझ में आ रहा है? किसी दूसरे के सामने फैक्ट नहीं बोलेंगे, आपके रिलेटिव आपके मुंह पर बोल जाते हैं, जो मन में आती मुंह पर बोल जाते हैं, बेटा उनकी ओपिनियन बायस, उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आप कुछ बन जाओगे तो भी उन्हें निहाल नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं बनोगे तो भी कुछ लेना देना नहीं है, इसीलिए वो मुंह पर जो भी मन में आते हैं बोलते हैं, उनकी ओपिनियन जेन्युइन होती है। इसीलिए बताओ हमें सारे रिलेटिव्स बुरे लगते हैं कि जो मन में आती है बोल जाते हैं, पेरेंट्स को जो मन में आती है हमें बोल जाते हैं, क्योंकि वो लिक्विडेटर है, समझ? कहने का मतलब है उनकी ओपिनियन बायस नहीं है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में, इसीलिए बेटा वो आपके लिए कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स बुरा ना मान जाए, बच्चे को ये ना हो जाए, समझ में आ गया? बुरा मान गया तो 2 घंटे बंद कमरे में बैठ जाएगा, ये हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी कुछ सोच के आप लोगों से डील करते हैं। एक चलता फिरता आदमी कुछ नहीं सोचता आपके बारे में, वो डायरेक्टली डील करता है, तो वो इसीलिए बिंदास ओपिनियन रखता है। जबकि हमारे रिलेटिव जो हैं, हमारे बहुत क्लोज लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं बायस हो जाते हैं। तो वही, जब ये आदमी किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं रख रहा कंपनी में, तो बताओ क्या करेगा ये?
मिला ये फेयर डिसीजन लेगा जो भी डिसीजन होंगे। बोलो समझ में आ गया। तो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन सारी की सारी पावर किसकी, जब कंपनी गोइंग कंसर्न में थी तो बताओ सारी पावर किसके पास थी, कंपनी को ऑपरेट करने की, कंपनी के रिगार्डिंग सारे डिसीजन लेने की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में। बेटा सारी की सारी पावर किसके पास चली जाती है, लिक्विडेटर, किसके थ्रू, लॉ के थ्रू। कोर्ट बोलता है सारी की पावर इसके पास आ गई, अब ये करेगा, आप साइलेंट हो जाओ। गई क्या बात दिमाग में? तो लिक्विडेशन पर बताओ कौन एक्शन में आएगा, लिक्विडेटर। चले आगे, लिक्विडेटर करेगा क्या बेटा, मैं आप लोग है ना प्लीज कॉपी पेन को हाथ मत लगाओ, मैं आपको छोड़ दूंगा सही समय आने पर। आप मेरी बात सुनो, मेरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एंड करना है, मैं ड्रॉप कर दूंगा। बताओ लिक्विडेटर क्या करेगा, असेट्स और लायबिलिटी, ये बताओ कौन है लिक्विडेटर, एक इंडिपेंडेंट पर्सन। बेटा मुझे लॉ से कोई मतलब नहीं है, हम किसकी बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग की डिस्कशन कर रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे लॉ का बैकग्राउंड थोड़ा सा, कंपनी अकाउंट पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत लॉ की नॉलेज होगी तो आप कनेक्ट कर पाओगे, तो मैं उतना बता रहा हूं, जो सुनो ध्यान से। मुझे ये बताओ ये लिक्विडेटर कौन है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन जिसका कंपनी से कोई ना तो डायरेक्ट इंटरेस्ट और ना इनडायरेक्ट। बेटा इसकी भी कुछ क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन होती है, यानी कौन पर्सन बन सकता है और कौन नहीं, वो हमें लेना देना नहीं है उन बातों से, क्योंकि हमें तो कोई यहाँ अपॉइंट थोड़ी करवाना है। तो ये बताओ एक इंडिपेंडेंट पर्सन है जो कंपनी को जानता ही नहीं, ना तो डायरेक्ट और ना इनडायरेक्ट। अब बताओ ये कहाँ आ गया, कंपनी में आ गया, क्या करने आया कंपनी में, असेट सेल करने और। बेटा अभी अभी हमने कहा ये आदमी कंपनी को जानता ही नहीं, तो बताओ क्या ये कंपनी की असेट्स और लायबिलिटी को जानता है क्या, नहीं जानता। समझ में आया, ये तो जानता ही नहीं कंपनी की असेट्स और कंपनी की लायबिलिटीज के बारे में, तो बताओ ये आते ही क्या करेगा। बेटा आपने कहा बैलेंस शीट, बेटा बैलेंस शीट आज की तारीख में कोई काम की नहीं है। अरे बैलेंस शीट में जो इंफॉर्मेशन पड़ी है असेट्स और लायबिलिटी की, वो सारी क्या है, बुक वैल्यू। अरे आज की तारीख में, हाँ ठीक है आपका एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट चलता है, आप डेप्रिशिएट करते हो, ये करते हो, वो करते हो, सारी चीजें करते हो आप, लेकिन कब, जब गोइंग कंसर्न है। अरे भाई साहब बिजनेस बंद हो गया, अब काय की बुक वैल्यू, अब कौन सी वैल्यू चाहिए, रिलायजेबल वैल्यू, कितने में बिकेगी ये बताओ। समझ में आ रहा है? तो आप बोलो साहब लिक्विडेटर को बैलेंस शीट उठा लेनी चाहिए, तो बैलेंस शीट तो किसी काम की रही नहीं ना। अब समझ में आ रहा है? तो ये असेट्स और लायबिलिटी को जानता नहीं है, और बताओ उनकी रिलायजेबल वैल्यूज को भी, भाई ये डील ही नहीं करता बिजनेस में। अरे मान लो हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल एक कंपनी है जो कि हॉस्पिटल का एक बिजनेस ऑपरेट करती है, मान लो वो लिक्विडेट हो रही है, एक आदमी को आपने लिक्विडेटर अपॉइंट कर लिया। बेटा हॉस्पिटल में तो ऐसी ऐसी चीज़ें यूज होती है जिनका आप और हम नाम भी नहीं ले सकते ढंग से, तो बेचने की तो बात बहुत दूर की बात है। समझ में आ गया? तो ये आदमी ना तो कंपनी की असेट जानता ना लायबिलिटी जानता, आप बोल तो साहब क्या पकड़ा दो, तो बेटा वो काम की है नहीं। ध्यान रखना उसमें तो बुक वैल्यूज होती है जो आज की काम की नहीं है, पता नहीं वो कितने में बिकेगी क्या होगा। तो बताओ लिक्विडेटर आया, लिक्विडेटर आके किससे बोलता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, प्लीज मुझे क्या बताओ अपने बिजनेस की असेट्स एंड लायबिलिटीज बताओ। बोलो आ गया समझ में? और उनकी कौन सी वैल्यूज बताओ। फिर आप बोलोगे साहब बैलेंस शीट उठा के दे, तो मैंने बैलेंस शीट को रिजेक्ट कर दिया, बताओ कौन सी वैल्यू बताओ, रिलायजेबल वैल्यू बताओ। बोलो समझ में आ गया? तो बेटा अभी कौन एक्शन में आ गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्शन में आ गए, क्योंकि लिक्विडेटर को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन किससे चाहिए, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन है जिसका कंपनी से कोई लेना देना है ही नहीं, जानता ही नहीं कंपनी को। तो ये आके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्या बोलेगा, मुझे इस कंपनी की सारी एसेट्स सारी लायबिलिटीज की जानकारी दो, और कौन सी, उनकी रिलायजेबल वैल्यू, कि ये असेट्स कितने में सेल हो जाएंगी, और अगर ये लायबिलिटी सेटल की जाएंगी तो वो कितने में सेटल हो जाएंगी, क्या कम में हो सकती हैं, क्या ज़्यादा में हो सकती हैं, तो वो बता देना आप। आ गया? तो बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिक्विडेटर को अबाउट द असेट्स एंड लायबिलिटीज और उनकी रिलायजेबल वैल्यू की इंफॉर्मेशन देते हैं, और वो जिस फॉर्मेट में देते हैं उसे हम कहते हैं, बोलो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बोलो आया समझ में? तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है क्या, विच इज प्रोवाइडेड बाय द बीओडी टू लिक्विडेटर। आ गया? विच कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द
असेट्स एंड लाइबिलिटीज एट विच वैल्यू, एट देयर रियलाइजेबल वैल्यू। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कुछ नहीं है, एक स्टेटमेंट है जो बीओडी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन लिक्विडेटर को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें असेट्स और लाइबिलिटीज की रिलायबल इंफॉर्मेशन होती है। चले इससे आगे की बात कल करेंगे। बेटा आप लोगों को समझ में आया बच्चों? ठीक है ना बेटा, हरे कृष्णा। इससे आगे की बात कल करेंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं बताया, आप लोग अपना होमवर्क करके लाइएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा बेटा।